नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भोग के लिए चोला। आप सभी जानते हैं कि हम कभी कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई वस्त्र हमारे लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे यदि हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम उसके लिए रंग बिरंगे चटकीले भटकीले से कपड़े पहन कर जाते हैं, और यदि हम किसी के नामकरण में जाते हैं तब भी हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और यदि हम सिंपल घर में ही कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो हमारे जैसे भी कपड़े होते हैं उसी में हमारा काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी माना जाता है कि हमारे भोग के लिए भी चोला होता है, लेकिन चोले का कोई मैटर नहीं रखता, कभी भी हमारे वस्त्र हमारी विशेषता नहीं बताते हैं। भोग के लिए चोला, उसके बारे में आज विशेषता बताती हूँ। एक बार एक इकयु यानी कि एक राजकुमार थे जो किसी के घर आमंत्रित पर भोजन करने के लिए गए थे। वहाँ वह गरीब वाले कपड़े पहन के, निर्धन जैसे जो फटे पुराने से होते हैं वैसे कपड़े पहनकर चले गए, तो राजदरबार के जितने भी दरबारी होते हैं उन्होंने उन्हें भगा दिया कि हमारे घर आपको आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने उसके वस्त्र देखे, ना कि वह देखा कि ये राजकुमार तो नहीं, और ना उससे पूछा कि आप आए कहाँ से। भूख मैटर नहीं रखती उन लोगों के लिए जो लोग वस्त्र देखते हैं, तो वैसा ही हुआ। अब इकयु को ऐसा लगा कि मुझे नए कपड़े और चटकीले भटकीले रंग के नग से जड़े हुए वस्त्र पहन के आने चाहिए, तो इकयु ने ऐसा ही किया। वह फिर से आए और नए कपड़े पहनकर और डायमंड से जड़े हुए कपड़े पहनकर आए। दरबारियों ने देखकर उन्हें पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, सीधा उनसे कहा चलिए आपको भोग घर में ले चले, और वहाँ पर ले जाके उन्हें बिठा दिया। और वह वहाँ जाकर चले तो गए, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्होंने अपने ऊपर से वो जो वस्त्र पहने हुए थे वो उतारे और अपने जो फटे पुराने कपड़े थे वही पहन लिए, और वह सारे कपड़े रखकर तकिए के पास बोले कि आपने भोग के लिए सिर्फ मेरे वस्त्रों को ही आमंत्रित किया था, ना कि मुझे, तो ये लीजिए आपके कपड़े और आप इन्हें खाना खिलाइए। तो ऐसा कहकर इकयु वहाँ से चल दिए। तो ये बताता है कि कभी भी आपके कपड़े मैटर नहीं रखते हैं आपके जिंदगी में, और ना ही किसी के कपड़े बताते हैं कि वो व्यक्ति क्या है और उसकी विशेषता क्या है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर पे कोई भोग के लिए आए तो आप उसका सिर्फ ये देखें कि उसे भूख है या नहीं। हमें कभी भी खाना खिलाने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कहाँ से आया है, अमीर है या गरीब, सिर्फ ये देखना चाहिए कि वह सबसे ज़्यादा भूखा है या नहीं। अगर वह भूखा है तो उसे खाना खिलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर जितनी भी बुराइयां होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं, और कहा जाता है कि आपको अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलता है और उसका कर्म का परिणाम आपको अगले जन्म में मिलता है। तो ये है भोग का चोला, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए।